उत्तराखंड में एक बार फिर बदलेगा मौसम, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर करवट लेगा मौसम, आज और कल बारिश और बर्फबारी की आशंका है। पूरे प्रदेश में हल्की बारिश का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग की ओर से। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हो सकती है बर्फबारी, ये कहना है मौसम विभाग का। साथ ही 1 मार्च से मौसम साफ हो जाएगा और तापमान बढ़ने लगेगा, ये अनुमान मौसम विभाग जता रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक बार फिर उत्तराखंड में मौसम करवट लेगा, आज और कल बारिश और बर्फबारी की आशंका जताई है मौसम विभाग ने। पूरे प्रदेश में हल्की बारिश का अनुमान जताया है मौसम विभाग ने, लेकिन 1 मार्च से जो तापमान है वो बढ़ने लगेगा और मौसम साफ हो जाएगा, इस तरह का अनुमान जताया जा रहा है मौसम विभाग की ओर से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में एक बार फिर करवट लेगा मौसम, आज और कल बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की है मौसम विभाग ने। पूरे प्रदेश में हल्की बारिश का अनुमान है। चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है, बाकी पूरे प्रदेश में हल्की बारिश की जो आशंका है वो मौसम विभाग ने जताई है। तो एक बार फिर करवट बदलेगा उत्तराखंड में मौसम, आज और कल बारिश और बर्फबारी की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। पूरे प्रदेश में हल्की बारिश का अनुमान जताया है मौसम विभाग ने। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है, जिसमें चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी शामिल है। इन जिलों के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। रवि केंतुरा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रवि, मौसम बदल सकता है करवट आज और कल, बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है, फिलहाल क्या आसार दिखाई देने लगे हैं? देखिए कौशल, अगर बात करें तो जो जिले हैं जहां पर मौसम विभाग ने आशंका जताई है, उन जिलों में खासकर उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ है, इनके जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर हल्की बर्फबारी और साथ ही बारिश की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। अभी तक जो प्रदेश में हम बात करें तो मैदानी इलाकों में धूप खिली हुई है, लेकिन जिन जिलों में इस तरीके की संभावना है वहाँ पे ऊंचे इलाकों में मौसम जरूर बदलना है। और 26 से 27 तारीख यानी कि 2 दिन तक इस तरीके का मौसम उत्तराखंड में बना रहेगा और 28 तारीख को भी हल्की बारिश है। कुछ जो मैदानी जिला है देहरादून और अगर हम साथ ही नैनीताल की बात कर ले तो यहाँ पर ओलावृष्टि की मौसम विभाग ने संभावना जताई है। ऐसे में अगर हम 1 मार्च से बात करें तो मौसम साफ हो जाएगा और इसके साथ ही अब धीरे धीरे गर्मी का जो एहसास है वो भी और ज्यादा होने लगेगा। जी बहुत शुक्रिया रवि आपका, आप नजर बनाए रखिएगा। तो आज मौसम करवट बदल सकता है, चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग ने जताई है, साथ ही पूरे प्रदेश में हल्की बारिश का भी अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। तो आज और कल बारिश और बर्फबारी की आशंका मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। 1 मार्च से मौसम साफ हो सकता है और तापमान भी बढ़ने के आसार हैं। अब एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आज उत्तराखंड को 2-2 तोहफे मिलने वाले हैं। देहरादून हरिद्वार नेशनल हाईवे की केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सौगात देंगे, तो वहीं त्रिवेंद्र सरकार और केंद्र की मदद से यह हाईवे तैयार हो रहा है और आज से ही पूर्णागिरि जन शताब्दी ट्रेन की शुरुआत होगी। चंपावत के टनकपुर रेलवे स्टेशन से यह ट्रेन दिल्ली के लिए चलाई जाएगी। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल इस कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़ेंगे, जबकि राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। तो दो बड़ी सौगातें आज उत्तराखंड को मिलेंगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी देहरादून हरिद्वार नेशनल हाईवे की सौगात देंगे, इसके अलावा चंपावत के टनकपुर रेलवे स्टेशन से दिल्ली के बीच पूर्णागिरि जन शताब्दी ट्रेन चलाई जाएगी, आज से उसकी शुरुआत होगी। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना करेंगे और केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ सीधे रुख करते हैं देहरादून से, हमारे संवाददाता विनोद हमारे साथ जुड़ गए। विनोद, दो सौगातें आज मिलेंगी, एक बात की जाए उत्तराखंड के लिए जो देहरादून और हरिद्वार का हाईवे है नेशनल हाईवे, और उसके अलावा चंपावत का जो रेलवे स्टेशन है टनकपुर, वहां से दिल्ली के बीच एक ट्रेन जन शताब्दी ट्रेन शुरू हो रही है, कितनी अहम ये सौगातें हैं उत्तराखंड के लिहाज से वहां के निवासियों के लिए? कौशल, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण आज सौगात है उत्तराखंड के लिए और आज दो बड़ी सौगातें उत्तराखंड वासियों को मिलने जा रही है। और सबसे पहले क्रम में अगर बात करें तो आज चंपावत के टनकपुर से दिल्ली के लिए जो पूर्णागिरि जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन है उसका आज शुभारंभ होगा। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल
आज उसका वीडियो लिंक के माध्यम से यानी वर्चुअल एक आज शुभारंभ करने जा रहे हैं। वो वहीं अनिल बलूनी जो राज्यसभा सांसद है आज इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर आज इसका शुभारंभ करेंगे और दिल्ली के लिए रवाना करेंगे। महत्वपूर्ण है, काफ़ी एक लंबा प्रयास राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का रहा है और यही वजह कि आज ये तमाम ये प्रयास सफल हुआ है और आज इसका उत्तराखंड से इस ट्रेन का संचालन हो सकेगा। और मैं ये भी बताऊं कौशल कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक सौगात है उत्तराखंड वासियों के लिए और उन क्षेत्रों के लिए जहां जहां से इस पूर्णागिरी शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का आवागमन होगा, यानी मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, हापुड़ के रास्ते होते हुए यह ट्रेन दिल्ली पहुंचेगी, तो एक बड़ी सौगात है। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें राज्य सरकार के प्रयास और केंद्र सरकार के सहयोग से एक हरिद्वार, आप हमारे साथ बने रहिए, पंकज राणा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं हरिद्वार से। पंकज राणा का रुख कर लेते हैं। पंकज, देहरादून हरिद्वार हाईवे की सौगात मिलने जा रही है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इसकी सौगात देंगे, कुंभ भी हरिद्वार में कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है, कितना अहम ये हाईवे है जो इस वक्त काम आने वाला है लोगों के लिए? बिल्कुल कौशल, देखिए कुंभ नगरी हरिद्वार में इसी महीने से कुंभ की शुरुआत हो जाएगी और इस लिहाज से जो ये प्रोजेक्ट है पूरा काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि देहरादून से हरिद्वार तक का रास्ता काफ़ी लंबा हुआ करता था अब से 6 महीने पहले का, लेकिन जब से ये NH की शुरुआत हुई है, सुचारू हुआ है, तब से अब मात्र आप 45 मिनट में देहरादून से हरिद्वार पहुँच सकते हैं और कुंभ के मद्देनज़र ये काफ़ी है। कई फ्लाईओवर इसमें बनाए गए हैं, इसके साथ साथ ही जो नेपाली फार्म है उसके पास एक एलिफेंट कॉरिडोर भी बनाया गया है जहाँ पर अक्सर जो राजाजी नेशनल टाइगर रिजर्व है वहां से हाथियों की आवाजाही हो जाती थी तो काफी लंबा जाम लग जाता था, तो यह भी एक बड़ा अचीवमेंट है कि एक एलिफेंट कॉरिडोर वहां बनाया गया है वन्य जीवों के लिए। और आज इसका शुभारंभ विधिवत रूप से किया जाएगा देहरादून के साथ साथ हरिद्वार में जो केंद्रीय मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक और तमाम जो बड़े नेता हैं वो इसमें मौजूद रहेंगे और विधिवत रूप से इसकी शुरुआत की जाएगी। मैं कुछ तस्वीरें भी दिखा दूँ, देखिए ये वही NH है और ये मेरे पीछे जो पूरा NH देख रहे हैं इसका बिल्कुल चोरीकरण भी हो गया है हरिद्वार के अंदर, क्योंकि यहाँ काफी जाम की स्थिति रहती थी। भूपतवाला का एरिया है, यहाँ एक सबसे बड़ा फ्लाईओवर भी बना हुआ है, तो देखिए किस तरह से फर्राटे गाड़ी दौड़ रही हैं। तो कुल मिलाकर कौशल कह सकते हैं कि कुंभ के मद्देनजर और आवाजाही के मद्देनजर जब चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी उस लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और आज विधिवत रूप से इसकी सौगात जो उत्तराखंड के वासी है और देश विदेश से तमाम जो श्रद्धालु आएंगे उनको मिल जाएगी, तो आज इसकी विधिवत शुरुआत हो जाएगी और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट माना जा रहा है। बिल्कुल, काफी अहम प्रोजेक्ट है और कुंभ के मद्देनजर भी काफी अहम माना जा रहा है। पंकज, आप हमारे साथ बने रहिएगा, विनोद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, अगर पूर्णागिरी जन शताब्दी ट्रेन की बात करें तो पूर्णागिरी एक धार्मिक लिहाज से भी काफी अहम है, क्योंकि मेला लगता है चंपावत में पूर्णागिरी धाम का, पर्यटन के नगरी जो पर्यटन के लिहाज से भी इस ट्रेन को काफी अहम माना जा सकता है, कहीं ना कहीं पर्यटन में इजाफा होगा अगर ये ट्रेन चलेगी, क्योंकि पूर्णागिरी धाम भी अलग अलग राज्यों से लोग पहुंचते हैं जब वहां पर मेला लगता है। तो जी जी कौशल, देखिए आपने ठीक कहा कि पूर्णागिरी एक धार्मिक नाम है और उसकी वजह से चंपावत में एक मेला भी इस नाम से लगता है और पर्यटन की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण इस ट्रेन के संचालन को माना जा रहा है। आज से इसका विधिवत रूप से इस ट्रेन का संचालन हो जाएगा। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को टनकपुर से दिल्ली के लिए रवाना करेंगे, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैंने जैसे आपको ये भी बताया कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ जहाँ से इस ट्रेन का आवागमन होगा, यानी मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, हापुड़ से होते हुए ये ट्रेन दिल्ली पहुँचेगी, तो उन क्षेत्रों के लोगों के लिए भी एक बड़ी सौगात है। कितना बचा है अब इस शुरुआत को, जब जो राज्यसभा सांसद हरी झंडी दिखाएंगे, वक्त कितना बचा है उसका? विनोद जी, कौशल देखिए 1 बजे का ये कार्यक्रम है और वीडियो लिंक के माध्यम से केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल इसका शुभारंभ करेंगे। वहीं 1 बजे हरी झंडी दिखाकर राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी इस ट्रेन को इसका शुभारंभ करेंगे और रवाना करेंगे और इसके साथ साथ में वहां पर सांसद अजय टमटा और अजय भट्ट भी शामिल होंगे इस कार्यक्रम में और ये जरूर माना जाएगा। तो एक काफी अहम ये सौगात है। विनोद, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। पंकज राणा, आपका भी बहुत शुक्रिया और ये तमाम जानकारी, तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। चुनावी मौसम में एक बार फिर से हल्द्वानी के जमरानी बांध की चर्चा होने लगी है। जमरानी बांध का सपना 45 साल पुराना है, जिसको धरातल पर उतारने का अब तक इंतजार है। जमरानी बांध परियोजना का चिन्ह चुनावी मौसम में एक बार फिर से कब्र से बाहर निकल आया है।
सीएम ने उम्मीद जताई कि अगले कुछ महीने में जमरानी बांध पर काम शुरू हो जाएगा। जमरानी पर 2700 करोड़ रुपया ये भारत सरकार ने स्वीकृत किया और एडीबी को फंडिंग के लिए उसके लिए नामित। 45 साल पहले जब परियोजना को मंजूरी मिली थी तब इसकी लागत 61 करोड़ रुपए थी, मगर अब इस परियोजना पर करीब 2700 करोड़ के आसपास खर्च होंगे। 45 साल के भीतर बांध की लागत 39 गुना बढ़ चुकी है, मगर जमरानी बांध का काम एक इंच भी आगे नहीं बढ़ा। मैं समझता हूँ कि जमरानी बांध तब तक नहीं बनेगा जब तक कि सरकार कोई बजट इसके लिए न दे। आज पैसा ये कहीं से मुहैया नहीं कराते, खाली घोषणाएं करने से डैम बनेगा मैं समझता नहीं होगा। इससे पहले भी सरकारें, कांग्रेस की भी सरकारें रही, उसमें भी शिलान्यास हुआ। माननीय के सी पंत जी केंद्रीय मंत्री थे तब इसका शिलान्यास हुआ, तिवारी जी मुख्यमंत्री थे तब इसका शिलान्यास हुआ। केवल कहने से बांध नहीं बनेगा। जमरानी बांध के निर्माण से यूपी के साथ साथ उत्तराखंड को भी फायदा होगा। इससे उत्तराखंड और यूपी को सिंचाई की सुविधा मिलेगी, साथ ही बांध से 14 मेगावाट बिजली उत्पादन भी होगा, जबकि उत्तराखंड को 52 क्यूबिक मीटर पानी भी पेयजल के लिए मिल सकेगा। मगर बड़ा सवाल यह है कि जमरानी बांध कागजों से उतरकर कब जमीन पर बनना शुरू होगा। 2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक है, लिहाजा जमरानी बांध परियोजना का जिन बोतल से फिर बाहर निकल चुका है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस परियोजना को जल्द शुरू होने की बात कही है। अब देखना बाकी रहेगा कि विधानसभा चुनाव से पहले जमरानी बांध परियोजना में कार्य होता है या नहीं। अंकित शाह, एबीपी गंगा, हल्द्वानी। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी हल्द्वानी अपने आवास पर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान अनिल बलूनी ने कहा कि पहाड़ों में जिस तरह की समस्याएं हैं उनको जल्द से जल्द दूर करने की कोशिश की जाएगी। पहाड़ की समस्याओं को लेकर बार बार केंद्रीय मंत्रियों से वो मिलते आ रहे हैं। अनिल बलूनी ने कहा कि पहाड़ की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्या को हल करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पहाड़ में संसाधनों की कमी है और उनके दिमाग में जिस तरह का विजन पहाड़ को लेकर है वो उन समस्याओं को हल करने में अपनी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। हालांकि उन्होंने 2022 विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी को लेकर इनकार कर दिया। जिस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं, अगर आप देखिए कि ट्रेन चलाई जाती है तो उससे पूरी जो रेल कनेक्टिविटी के कारण पूरे प्रदेश को लाभ होता है, वहाँ की आर्थिकी को लाभ होता है, वहाँ के पर्यटन को लाभ होता है, हर तरह का होता है। पिछले दिनों मैंने, अगर आपको ध्यान होगा, तो मैंने कैलाश मानसरोवर की यात्रा की बात की, लेकिन लाखों की संख्या में लोग नेपाल के रास्ते जाते हैं और जो वहाँ की अर्थव्यवस्था को कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। जो मैंने कहा कि लिपु लेक तक अब हमारा मार्ग बन रहा है, इस मार्ग को और सुदृढ़ करके भविष्य में अगर यात्रा यहाँ से होगी, लाखों लोग कैलाश मानसरोवर अगर हमारे कुमाऊं से होके निकलेंगे तो पूरे कुमाऊं की अर्थव्यवस्था बदल जाएगी, पूरे उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। हमारे पास तो फेस पहले से ही है, नए फेस की तलाश क्यों करनी है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में हम पूरे समय से काम कर रहे हैं, हम आगे भी बढ़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत के साथ जीत के आएगी। तो वहीं अनिल बलूनी रामनगर भी गए थे, जहां उन्होंने कहा कि देवभूमि में एक अच्छा कैंसर इंस्टीट्यूट बनाना उनकी प्राथमिकता में शामिल है। उत्तराखंड के लिए एक बड़ा विश्व स्तर का कैंसर हॉस्पिटल बनाऊं, ये मैंने संकल्प लिया है और मैं उसको पूरा करने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। कोविड के कारण उसमें थोड़ा कुछ चीज़ें दिक्कत आई है, लेकिन मैं उत्तराखंड के सभी भाई बहनों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि उत्तराखंड के अंदर एक बड़ा कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तर का कैंसर हॉस्पिटल यहाँ बन सके, इसके लिए मैं प्रयास करूँगा। और इसी बीच हरिद्वार से एक बड़ी खबर आ रही है, माघ पूर्णिमा और कांवड़ मेले को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। 5 राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं का कोरोना टेस्ट होगा। बड़ी खबर आपको हरिद्वार से बता रहे हैं, माघ पूर्णिमा और कांवड़ मेले को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। 5 राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं का कोरोना टेस्ट होगा। महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से आने वाले श्रद्धालुओं की कोरोना जांच की जाएगी। हर की पौड़ी के आसपास थर्मल स्क्रीनिंग होगी। 5 राज्यों में कोरोना के केस जिस तरह से बढ़ रहे हैं उसके बाद ये फैसला लिया गया है। तो महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहां से जो भी श्रद्धालु आएगा हरिद्वार उसका कोरोना टेस्ट किया जाएगा। हर की पैड़ी पर थर्मल स्क्रीनिंग होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, माघ पूर्णिमा और कांवड़ मेले को लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया है। इन राज्यों में जिस तरह से कोरोना के केस तेजी से बढ़े हैं उसके बाद हरिद्वार में जिला प्रशासन ने यह फैसला लिया है। 5 राज्यों में कोरोना केस बढ़ने के बाद यह फैसला लिया है। हर की पौड़ी के आसपास थर्मल स्क्रीनिंग होगी और महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनका कोरोना टेस्ट होगा।
कांग्रेस आज सीएम आवास का घेराव करेगी। बड़ी खबर देहरादून से, बढ़ती बेरोजगारी के विरोध में यह प्रदर्शन किया जाएगा। नौकरी दो या डिग्री वापस लो, ये कार्यक्रम है और इसके तहत प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया जाएगा। कांग्रेस मुख्यालय से सैकड़ों कांग्रेसी मुख्यमंत्री आवास कूच के लिए निकलेंगे। दोपहर 12 बजे यह प्रदर्शन शुरू होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस का आज प्रदर्शन है। नौकरी दो या डिग्री वापस लो कार्यक्रम के तहत। देहरादून में हुई त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक के दौरान 7 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। कैबिनेट ने फैसला लिया है कि कुंभ के दौरान 1000 बेड के हॉस्पिटल की बजाय अब 600 बेड का अस्पताल बनेगा, जिसमें 50 आईसीयू बेड होंगे। मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। जल जीवन मिशन कार्यक्रम के तहत संरचनात्मक ढांचे में अपर परियोजना निदेशक और अधीक्षण अभियंता के 2 पदों को मंजूरी मिली है। पुलिस दूरसंचार सेवा नियमावली में प्रमोशन को लेकर संशोधन हुआ है। अब 2 साल की जगह 10 साल के बाद प्रमोशन होगा। संस्कृत विद्यालयों में कार्यरत ऐसे 57 शिक्षकों को जो विद्यालय में सृजित पदों के सापेक्ष कार्यरत नहीं थे, ऐसे 155 शिक्षकों को शिक्षकों की तरह बढ़ा हुआ वेतन मिलने को मंजूरी मिली है। और एक 600 बेड का हॉस्पिटल था, जो वहीं जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल है उसमें लेने की बात थी, वो भी थी। जल जीवन मिशन में 2 पद, 600 बेड जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल है हमारे परिवार में, उन्हीं को लेना है, मतलब अलग से नहीं बनाना, जो उन्हीं में थोड़ी बहुत ही वो बेड करने। और जल जीवन मिशन में 2 पदों की अनुमति दी गई, एक अपर परियोजना निदेशक और एक अधीक्षण अभियंता, यही आज विषय थे। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हरिद्वार के दौरे पर रही। इस दौरान बेबी रानी मौर्य ने चंद्राचार्य चौक के जीर्णोद्धार का अनावरण किया। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि हमको चंद्र भगवान से अपने जीवन के लिए कुछ सीख लेनी चाहिए। भगवान जी की जो मूर्ति का अनावरण किया, जो एक महान संत थे जिन्होंने उस समय जाति प्रथा को, ऊंच नीच को खत्म करने का एक बीड़ा उठाया था, लेकिन आज भी वो देखने को मिल रही है। तो हम सब को वो यही संदेश देना चाह रहे हैं कि जो ऊंच नीचे जाति पाते ये खत्म हो। उत्तराखंड में भगवान शंकर के पौराणिक मंदिरों को एक सर्किट के तहत जोड़ा जा रहा है। राज्य के पर्यटन विभाग ने शैव सर्किट तैयार किया है। देवभूमि उत्तराखंड में पांडवकालीन कई ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जो भगवान शंकर के हैं। ऐसे में पर्यटन विभाग ने धार्मिक आस्था से जुड़े भगवान शिव के इन मंदिरों को जोड़कर एक सर्किट तैयार किया है। इस शैव सर्किट में 12 गढ़वाल मंडल और 12 कुमाऊं मंडल के शिव मंदिर शामिल। शैव सर्किट जो है प्रकाशित किया है और इसमें 12 हमने गढ़वाल मंडल के और 12 कुमाऊं मंडल के प्रमुख स्थानों को लिया है, पौराणिक मंदिरों को लिया है। और ये शैव सर्किट शंकर के भक्तों के लिए बहुत ही लाभकारी होगा, पुण्यदायिनी होगा। वो लोग अपने इन तीर्थ स्थानों में जाकर के भगवान शंकर का दर्शन करेंगे और अपनी मनोकामना को पूरा करेंगे। प्रदेश सरकार की नीतियों के विरोध में पूर्व कैबिनेट मंत्री ने त्रिवेंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए अनशन की चेतावनी दी और कोटद्वार में जिला विकास प्राधिकरण के विरोध में जन आक्रोश रैली निकालने का ऐलान किया। पूर्व मंत्री का कहना है कि अगर विधानसभा सत्र में जिला विकास प्राधिकरण को समाप्त करने का फैसला नहीं लिया जाता है तो 1 मार्च को विशाल जन आक्रोश रैली निकाली जाएगी। और इसमें सरकार दोषी है, वन मंत्रालय जो है वो दोषी है, वन मंत्री जो मुखिया है वन विभाग के वो दोषी है। वो चाहते तो इसकी पैरवी सख्ती से करते और पैरवी अगर मजबूती से करते तो मैं समझता हूँ कि कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी जो है विगत जो आज़ादी के बाद से चल रहे मोटर मार्ग है जो यातायात के लिए है और जनता के सुख और सुविधाओं के लिए है तो उसको रोक नहीं लगाती। ये निश्चित रूप से सीधा सीधा